हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आई होप आप सेफ और हेल्दी है। आज मैं जा रहा हूँ मारुति सुजुकी एक्सेल 6 कार के सेकेंड सर्विसिंग करने के लिए, तो चलो ऑन द वे बात करते हैं। एक्सेल 6 कार मैंने 25 दिसंबर 2021 में ख़रीदा था, जो कि क्रिसमस का दिन था, बहुत ही स्पेशल दिन था। मैंने इस कार का फर्स्ट सर्विसिंग हो चुका है जनवरी 29 में, और आज बारी है इसकी सेकेंड सर्विसिंग की। जितना मुझे इन्फॉर्मेशन मिला है, 1000 किलोमीटर या एक महीने का ड्यूरेशन, 5000 किलोमीटर या 6 मंथ का ड्यूरेशन, और 10000 किलोमीटर या 1 ईयर का ड्यूरेशन थर्ड सर्विसिंग के लिए। तो आज मेरा 4500 प्लस किलोमीटर हो चुका है और 6 मंथ का ड्यूरेशन कंप्लीट हो चुका है। तो मुझे मैसेज भी आया, कॉल भी आया सेकेंड सर्विसिंग का। मेरे इन्फॉर्मेशन के हिसाब से तो जितना टाइम टू टाइम आप गाड़ी का सर्विसिंग करोगे, उतना गाड़ी का लाइफ और मेंटेनेंस मेंटेन रहेगा। तो आज फिर सेकेंड सर्विसिंग कंप्लीट करते। वैसे तो गाड़ी में अब तक कुछ ऐसा मेजर सा ऐसा कुछ इश्यूज मुझे फेस नहीं हुआ है। मैं फरवरी में लॉन्ग ट्रिप पे भी जाके आ चुका हूँ, हिली एरियाज में भी, हाईवेज पे भी, और अच्छा खासा ड्राइविंग के हिसाब से मेरा जितना एक्सपीरियंस है उससे गाड़ी तो बहुत ही कंफर्टेबल है। फुल फैमिली, फुल लगेज के साथ बहुत अच्छे से इसका परफॉर्मेंस मिलता है। तो आज सेकेंड सर्विसिंग में क्या क्या होगा वो आज सर्विस सेंटर में जाने के बाद मालूम पड़ेगा। हम पहुंच गए मारुति सुजुकी नेक्सा सर्विस सेंटर, ये है ठाणे में। तो चलो चलते हैं अंदर। आज सैटरडे होने की वजह से बहुत सारे कार्स ऑलरेडी सर्विसिंग करने के लिए आए लगते, तो ऑलरेडी एंट्रेंस के यहाँ से ही पूरा पैक है। वैसे तो मैं पूरा बुकिंग का शेड्यूल फिक्स करके आया था, इनके टाइम स्लॉट में ऑलरेडी मैंने प्री बुकिंग किया था। तो आने में थोड़ा सा लेट हुआ, लेकिन आज ज़्यादा ही ऑलरेडी गाड़ी है यहाँ पे, तो देखते हैं मेरा नंबर कब आएगा। मारुति सुजुकी एग्जीक्यूटिव ने मुझे गाड़ी साइड में अच्छे से पार्क करने को बोला और मेरे से अच्छे से डिटेल्स ले रहा है कि गाड़ी में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या मुझे इसमें काम कराना है। तो आप उनका यहाँ पे जॉब कार्ड अभी फिल करते, वो पूरा डिटेल्स लेके गाड़ी का नंबर और गाड़ी के इश्यूज़ क्या क्या है और गाड़ी कितने किलोमीटर चल चुकी है। मेरा गाड़ी ऑलमोस्ट 4526 किलोमीटर चल चुकी है, तभी ऑलमोस्ट मेरा नंबर आ गया गाड़ी का। तो ये पे गाड़ी वॉश होती है, यहाँ पे वॉशिंग का सब पार्ट्स का है। वॉश होके गाड़ी ऑलमोस्ट यहाँ पे खड़ी है। यहाँ पे इन लोग ने मुझे शूट करने को नहीं मिला, तो मैं चुपके से सब फोटोज़ निकाला है। यहाँ पे अभी मेरा सर्विसिंग हो रहा है, क्लीनिंग का प्रोसेस होते ही ऑयल टॉप अप होगा, कूलेंट टॉप अप होगा। सेकेंड सर्विसिंग में तो सिर्फ बेसिक सा नॉर्मल सा उन लोग सब चेकअप करते, कुछ मेजर इशू होगा तो सॉल्व करके दे देते। तो मेरा सर्विसिंग तो ऑलमोस्ट हो चुका है, ऐसा तो कुछ इशू था नहीं। तो चलो चलते यहाँ पे। आपको पूरा सर्विसिंग का कितना खर्चा हुआ, मेरा क्या क्या था, आपको पूरा एंड में बता दूंगा। अगर आपको कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा पार्ट्स लगाना है तो आपको एक्स्ट्रा पे करना होगा। वैसे तो सेकेंड सर्विसिंग फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, पर ये टॉप अप का कुछ कूलेंट का सब छोटा मोटा चार्जेस लगाते। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। वीडियो पूरा एंड तक देखना, आपको यहाँ पे मेरा सेकेंड और फर्स्ट सर्विसिंग का कितना कॉस्टिंग हुआ आपको देखने मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।